हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो आज के क्लास में जॉन ड्यूवे के बारे में बताऊंगी। सो इसमें इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल दिए हूँ, जो कि आपको नोट्स बनाने में हेल्प होगी, आपको एग्जाम जो आप अगर कोई बीएड कर रहा है या फिर एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। उसके साथ मैं एमसीक्यू भी दिया है एंड जो सब्जेक्ट जो कंटेंट मैंने दिया है वहाँ से आप एमसीक्यू भी देख सकते हो, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए हेल्पफुल होगी। तो जॉन डीए, जैसे आपको पता है, आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे ये आता है। उसके अलावा अदर भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे भी जॉन डीए के बारे में होता है। अब उस एग्जाम के लिए यहाँ से जो एजुकेशनल पार्ट है इसको भी देख सकते हो। ओके, सो देखते हैं हम जॉन डीए के एजुकेशनल सफर के बारे में, उन्होंने क्या क्या है, उन्होंने करिकुलम के बारे में क्या बताया है, एजुकेशन के बारे में क्या बताया है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है एंड एमसीक्यूज भी है। तो वीडियो को देखिएगा एंड प्लीज लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा। ओके, सो पहले जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूवे। सो जॉन ड्यूवे बोले थे एजुकेशन इज द कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि वहां पे उन्होंने एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दिया था कि एक्सपीरियंस का क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, क्योंकि जो चाइल्ड होता है उसके पास प्रीवियसली एक एक्सपीरियंस होती है, एक नॉलेज होती है, लेकिन एजुकेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि न्यू नॉलेज को जानेगा, न्यू चीज़ों को वो जानेगा, अडॉप्ट करना सीखेगा। सो ये चीज़ उसको हेल्प करेगी उसकी रियल लाइफ में। ओके, मैंने बोला था कि जॉन ड्यूवे है वो क्या है, प्रैग्मेटिस्ट है। प्रैग्मेटिस्ट यानी कि प्रयोजनवाद। तो वो ये चीज़ में बिलीव करते थे जो चीज़ हमारे प्रयोजन में, हमारी यूटिलिटी में आए हम वही चीज़ पढ़ें, हमारे एजुकेशन सिस्टम वैसे ही बननी चाहिए जो हमारे काम में आए। तो इस वजह से उन्होंने एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दिया था। एंड ये कैसे है कि लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, एक्शन के थ्रू, आप कोई चीज़ों में फिजिकली इन्वॉल्व रहोगे तभी आप वो चीज़ सीख पाओगे, तभी जब आपका जो एजुकेशन है वो आपको काम आएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है, जो एजुकेशनल लैबोरेटरी है वो किसने एस्टेब्लिश किया था, जॉन ड्यूवे में 1996 में। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन आ सकता है किसने एजुकेशनल लैबोरेटरी एस्टेब्लिश किए थे, तो जॉन ड्यूवे ने। देन ये कुछ बुक्स के नाम है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, वो सिंगल क्वेश्चन हो या मतलब मैचिंग में आता है, बहुत सारे ऑथर्स देते हैं, बुक्स देते हैं, तो इस सबको याद रख लेना है। वैसे तो बहुत सारे बुक्स लिखे हैं उन्होंने, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम लिखे जो कंटिन्यूसली एग्जाम में आते हैं। सो एक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, देन स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल एंड ऑफ टुमोरो, लॉजिक, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, हाउ वी थिंक, ये कुछ बुक्स के नाम ही, इस चीज़ को याद रख लेना। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, स्कूल एंड सोसाइटी, ये बहुत बार आता है, एंड एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन ये भी आता है बहुत बार, तो इसको याद रख लेना, ये ड्यूवे के राइटिंग। सो नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सो प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, स्किल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देते हैं एंड लर्नर्स को मतलब उसके एक्सपीरियंस के साथ एंगेज करके पढ़ाना सिखाते हैं, क्योंकि वो जो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको रियल लाइफ से को बुक्स के साथ जुड़ के सिखाने के बारे में हम बताते हैं। तो ये टाइप के एजुकेशन, क्योंकि ये प्रोग्रेस वे में है, ये सब नहीं है कि जो पिछले चला जा रहा है बस उसी को हम फॉलो करें, नहीं, आपको एक प्रोग्रेस मोड में, आपको कि डेवलपमेंट मोड में देखनी चाहिए। कैसे, जैसे लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा, ताकि आप क्या करोगे कि आपका एक्सपीरियंस होगा एक चीज़ के बारे में, देन आप क्या करोगे, स्किल डेवलपमेंट होगा जो आगे जाके आपको काम आएगा। ओके, देन डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ स्किल एज क्रूशियल चिल्ड्रन से, जैसे मैंने बताया प्रैक्टिकल लाइफ स्किल, क्योंकि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। सो एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन खत्म होने के बाद आठ दंड उसको जाके सोसाइटी में ही रहना है, तो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल भी उसको सीखना चाहिए कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी के लिए क्या करना है, अपने इमोशनल स्किल को कैसे डेवलप करें, कैसे कम्युनिकेशन करें, ये सारे सोशल स्किल को भी जानना चाहिए जो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल है। कुछ मतलब वोकेशन जो आपको मतलब अर्निंग दे सके, इस टाइप की जो प्रैक्टिकल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको फेस करने के लिए आपको जो तैयार करे, उस टाइप के एजुकेशन सिस्टम होने चाहिए। ओके, देन डू यू बिलीव दैट ह्यूमन बींग लर्न थ्रू हैंड ऑन अप्रोच, जैसे मैंने बताया हैंड ऑन अप्रोच यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि प्रैक्टिकल स्किल, यानी कि स्किल डेवलपमेंट। स्किल कैसे होगा, ऐसा नहीं कि टीचर आके आपको कुछ बोल देगी बस आप थ्योरी पढ़ लो तो आप समझ जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि उस टाइम बाद आप उसको भूल जाते हो। ओके, इसलिए क्या बोलते हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, जब आप चीज़ों को खुद करोगे तभी आप चीज़ों को सीखोगे एंड आगे जाके उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। ओके, देन हिज आइडिया अबाउट एजुकेशन सपोर्ट फिलोसॉफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, जैसे मैंने बताया उन्होंने किसके बारे में बताया था, प्रैग्मेटिज्म के बारे में। प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद, तो इसका मेन मोटिव था हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए
जो प्रयोजन में आ सके, जिसको हम यूज कर सके, इसको हम लॉ ऑफ यूटिलिटी भी कहते हैं। क्योंकि ऐसा एजुकेशन जो सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं, आपको रोट लर्निंग नहीं, आपको प्रैक्टिकल के ऊपर ज्ञान दे, एंड जो आपके जब आपकी फॉर्मल एजुकेशन खत्म हो जाए या फिर चलते टाइम आपकी लाइफ में काम आए, यूटिलिटी। सो प्रैग्मेटिज्म के बारे में मैंने एक वीडियोस बनाए, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज बनाए, आप जाके वीडियो को देख लेना। उसका लिंक मैं दे दूंगी वीडियो के एंड में, तो इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा, उसके बाद वो वीडियो जाके देख लेगा, ताकि आप कनेक्ट कर पाओगे कि प्रैग्मेटिज्म एक्चुअल है क्या। ओके, देन जॉन डे फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन एम्फसाइज दैट लर्निंग प्रोसेस कैन ओनली एक्चुअल बी यूजफुल व्हेन चिल्ड्रन आर प्रोवाइड विद सफिशिएंट लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू कंटेन द प्रायर एक्सपीरियंस विद करेंट नॉलेज। जैसे मैंने बताया कि जो प्रायर नॉलेज के साथ करेंट नॉलेज को वो जोड़ सके, जैसे नॉलेज कंस्ट्रक्शन कर सके। अभी चल रहा है कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज क्या है, बताए। सो जहाँ पे जो चाइल्ड है वो खुद अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ करेंट नॉलेज को जोड़ के न्यू नॉलेज को, मतलब न्यू नॉलेज को गेन कर सके, उसका हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। तो जो हमारे डीवे थे उन्होंने भी ये बताया था कि जो एजुकेशन वो प्रायर एक्सपीरियंस को करेंट नॉलेज के साथ मर्ज करके सीख सके। ओके, क्योंकि उसके पास कुछ प्रायर नॉलेज है, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी चाइल्ड ब्लैंक नहीं आता है, वो कुछ ना कुछ उसके पास नॉलेज होती है, देन उसके बाद वो सोसाइटी से सीखता है, फैमिली से सीखता है, स्कूल आते टाइम जो फॉर्मल एजुकेशन से आते हैं वो बहुत कुछ चीज़ें जान के आता है, फैमिली से देखता है, सोसाइटी से ऑब्जर्व करता है, एंड कुछ उसका पर्सनल इंटेलेक्ट होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, करेंट नॉलेज के साथ जोड़ के उसके नॉलेज को एनहांस करेंगे। ओके, तो जॉन ड्यूक के मेन चार प्रिंसिपल थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैसा होना चाहिए, जैसे लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ऐसे मैंने बताया कि आप खुद वो चीज़ को करके और एक्सपीरियंस के थ्रू सीखना चाहिए, डिस्कशन मेथड होनी चाहिए, क्योंकि डिस्कशन होगा तो आइडिया जनरेट होगी, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, तो अपने अपने थॉट को आप ओपनली रख पाओगे एंड कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी उन्होंने प्रायोरिटी दिया है, वो मैं बताऊंगी बाद में। सो इसको रखना है, इंटरेक्टिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा आइसोलेटेड होकर पढ़े, इंटरेक्शन होना चाहिए। वो मतलब सोसाइटी कैसे होगा, जब वो दूसरे बच्चे के साथ इंटरेक्ट होगा, फिर सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट होगा, एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होगा, तो वो इंटरेक्टिव होना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी, ऐसा नहीं कि आप कोई भी सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट पढ़े मतलब उसी में ही नहीं, हर सब्जेक्ट का हर एक चीज़ के साथ लिंक होना चाहिए। ओके, तो इस तरह का हम पढ़ना चाहिए, ताकि आप जब भी कुछ, जैसे आप अभी हिस्ट्री पढ़ो तो हिस्ट्री में आप इकोनॉमी देखते हो, क्योंकि उस टाइम जब बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, सोसाइटी कैसा था, अब हिस्ट्री जब पढ़ते हो इन सबको भी मर्ज करके पढ़ते हो कि नहीं, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए। देन फंक्शन ऑफ एजुकेशन, सो एजुकेशन का काम क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूए। सो एजुकेशन इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जैसे मैंने बताया लाइफ इटसेल्फ इज एजुकेशन, क्योंकि आपको लाइफ को जीने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है, ताकि आप उसको अपने लाइफ यूज करके अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हो, चाहे अर्निंग के मामले में हो, चाहे आपकी लाइफस्टाइल के मामले, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस हो, हर चीज़ में एजुकेशन आपको काम आती है। इसलिए एजुकेशन क्या है, नेसेसिटी है लाइफ के लिए। ओके, ये कोई ऑप्शनल नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी नेसेसिटी, क्योंकि आपको सीखना ही चाहिए हर चीज़ को। ओके, देन एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, जैसे एजुकेशन क्या होता है, यहाँ पर ग्रोथ का मतलब जो हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए। ओके, तो एजुकेशन ही आपको हेल्प कर, जैसे आप बताओ जब आप कोई भी, मतलब अब जैसे पढ़े लिखे होते जाते हो तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंजेस होता जाता है, वो माइंड एक्सपैंड होता जाता है, तो ये क्या साइन है ग्रोथ का। देन एजुकेशन इज सोशल एफिशिएंसी, सो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, सोशल एफिशिएंसी मिलती है, जैसे लर्निंग बाय डूइंग थ्रू एक्सपीरियंस के थ्रू आपने कुछ सीखा है, मतलब एजुकेशन से। देन एजुकेशन इज सब्लिमेशन, सो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा जो बच्चा होता है वो क्या होता है, वो तो एक रॉ फील्ड में आता है, रॉ माइंड उसका होता है, उसको पता नहीं होता है कैसे बिहेव करना है, तो एजुकेशन क्या करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, उसको बिहेवियर को, उसको डिजायरेबल वे में लाएगा, उसको थिंकिंग पावर को हाईली ऑर्डर में लाएगा, उसको एक प्रोसेस में लाएगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखाएगा, सोसाइटी के साथ और अपने साथ कैसे एडजस्ट करना ये सब सिखाएगा। ओके, देन डायरेक्ट गाइड कंट्रोल एंड सब्लिमेट, इस सब को आप करके बच्चों को सीधे डायरेक्शन देनी चाहिए, वरना बच्चा क्या होता है वो भटक जाता है। तो एजुकेशन का काम है उसको प्रॉपर डायरेक्शन देना, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको डायरेक्शन देना, तो ये सब काम करना है।
देन एजुकेशन इज कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस. जैसे मैंने बताया था कि एक्सपीरियंस को रिकंस्ट्रक्ट करना, जो उनका पहले से एक्सपीरियंस है उसको एक सही डिरेक्शन में लाके, सही दिशा में लाके उसको और डेवलप करना और ग्रोथ करना है. ओके, सो ये था फंक्शन ऑफ एजुकेशन. ओके, इसको मैंने पॉइंट्स लिख लिए. आप जो मैं बोल रही हूँ उस चीज़ को समझो, उसको नोट्स बनाओ, उसको लिखो, ये तो फिर आप समझो जो आपको कंफर्टेबल है. अगर आप स्टूडेंट्स हो, अभी कोई कोर्स में एनरोल हो, तो बेटर आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है. तो ये तो पॉइंट्स है जो मैं बोल रही हूँ, आप चीज़ों को थोड़ी थोड़ी लिख ले हो. जैसे आप क्लास में करते हो ना, क्लास में जब टीचर्स पढ़ाते हैं, हम साइमल्टेनियसली हम लिखते रहते हैं. ओके, तो वैसे ही आप करो ताकि आगे जाके आपको हेल्प करेगी एग्जाम में जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे. ओके, देन जॉन ड्यूए एंड एम्स ऑफ एजुकेशन. जॉन ड्यूए का एजुकेशन का एम क्या था? सो एम टोटल टू भाग में डिवाइड हुआ था, एक था इंडिविजुअल एम और एक था सोशल एम. सो इंडिविजुअल एम, सोशल एम, इन दोनों एम को फुलफिल करना एजुकेशन का काम है. देन एजुकेशन क्या है? इसी ये दो एम के अंडर ये सारी चीज़ आता है. एजुकेशन इज एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बारे में बताता है. तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो अभी मैं ऐसे भी बता रही हूँ. देन एजुकेशन शुड कंबाइंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस. जैसे मैंने बताया थ्योरी एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस को प्रायोरिटी दे. ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ा के छोड़ दिया, नहीं, उसको प्रैक्टिस में लाओ ताकि बच्चे सीखेंगे एंड तभी जाके यूजफुल कर पाएंगे रियल लाइफ में. तो एजुकेशन इज लाइफ. ओके, सो एजुकेशन लाइफ, यानी कि लाइफ को एजुकेशन के साथ जोड़ो ताकि वो हेल्पफुल होगा. देन सोशल एफिशिएंसी, जैसे मैंने बताया कि सोशल एफिशिएंसी होनी चाहिए. दिस इज द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूए. देन जॉन ड्यूए एंड करिकुलम. सो अकॉर्डिंग टू ड्यूए करिकुलम कैसा होना चाहिए? तो करिकुलम क्या है? ऑल टोटल एक्सपीरियंस जो आप एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लेते हो, तो वो कैसा होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपकी, मतलब आप पढ़ते हो एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में. ओके, सो करिकुलम शुड बी रिफ्लेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ द चाइल्ड एंड हिज सोशल एक्टिविटी. तो सोशल लाइफ, जैसे मैंने बताया, ड्यूए ने बताया था कि वो आइसोलेटेड नहीं, सोशल लाइफ में स्टूडेंट सीखना चाहिए. तो क्या होना चाहिए? वो सोशल लाइफ को रिफ्लेक्ट करे. ऐसा नहीं कि कोई बुक इस बात ऐसे बताए जिसके रियल लाइफ में कुछ भी ज़रूरत ना हो. जैसे कभी कभी पढ़ते, अरे ये तो बुक में लिखा था लेकिन ये तो है ही नहीं, तो बच्चे जुड़ नहीं पाएगा, वो डिले में चला, बुक सही बोल रहा है, ये जो चल रहा है वो सही चल रहा है. तो जो आपके लाइफ में चल रहा है, जो सोसाइटी में चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपके करिकुलम बननी चाहिए, जो आगे जाकर उसको हेल्प है, उसको लगेगा कि मैंने कुछ वर्थ पढ़ा है, मैंने जो टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया है उसका ठीक से यूटिलाइज हुआ है. ओके, चाइल्ड सेंटर करिकुलम होना चाहिए, क्योंकि ड्यूए चाइल्ड को प्रायोरिटी देते थे, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. सो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड इंटरेस्ट, चाइल्ड प्रायोरिटी, चाइल्ड नॉलेज, हमारा जो करिकुलम है वो मतलब रेडी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिक्स क्लास के बच्चों को आप एट क्लास के करिकुलम दे दोगे, ऐसा नहीं होता ना. अकॉर्डिंग टू एज, ऐसा नहीं कि हर एक सिंगल बच्चे के अकॉर्डिंग करिकुलम होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. एक एज ड्यूरेशन होता है, इस एज के बच्चे इस क्लास में होंगे. ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए. आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को रीडिंग, सिंपल रीडिंग राइटिंग दे सकते, ये आपके करिकुलम में होना चाहिए. अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग उसी एज में दे दोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा. या फिर 8 या 10 क्लास के बच्चे जो उनकी माइंड डेवलप हो चुकी है, आप उसको सिर्फ रीडिंग दे रहे हो और राइटिंग दे रहे हो, सिर्फ अल्फाबेट लिखना, लेटर को आइडेंटिफाई करना, ये कोई मतलब है क्या? नहीं है ना. तो ये होना चाहिए. देन इट शुड नॉट बी रिजिड. जैसे मैंने बताया कि करिकुलम रिजिड नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है, ह्यूमन की नीड चेंज हो रही है, प्रयोजन में ना प्रैग्मेटिज्म, तो प्रयोजन भी चेंज हो रहा है, हमारा जो नीड है वो उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए. रिजिड नहीं कि ऐसा है तो वो कंटिन्यूस चलता रहेगा, चलता चाहे जितना भी चेंज हो. इसीलिए अभी हमारा के न्यू NEP आया, जो 86 में बना था उसके बाद आया अभी हमारा NEP 2020, ताकि न्यू चेंजेस बहुत सारे आए हैं सोसाइटी में, उसी के अकॉर्डिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज होना चाहिए. तो उसी अकॉर्डिंग अभी करिकुलम सब जैसे अकॉर्डिंग टू स्कूल चेंज भी होगा. देन फोकस ऑन प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ को फोकस करनी चाहिए. करिकुलम शुड फॉलो प्रोग्रेसिव एजुकेशन. ओके, तीन कीवर्ड याद रखना. ड्यूए ने बताया था, एक था प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ड्यूए थे प्रैग्मेटिज्म, ड्यूए थे लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पे आएगा वो आएगा ड्यूए के बारे में. तो ये कुछ कुछ कीवर्ड है जिसको आपको याद रखना है. ये वर्ड जब आएगा आप क्रैक करना, ये तो ड्यूए ने बताया था. ओके, सो जॉन ड्यूए डिवाइडेड एलिमेंट्री स्कूल लाइफ करिकुलम इनटू थ्री पार्ट. जैसे मैंने बताया करिकुलम रिजिड नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू एज. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कौन सी क्लास में, कौन से एज ग्रुप में कैसा करिकुलम होना चाहिए. ओके, सो फ्रॉम 4 to 8 ईयर, जहाँ पे प्राइमरी स्टेज होती है वहाँ पे कैसा होना चाहिए.
ना फोकस ऑन सोशल एंड पर्सनल रिलेशन, जैसे मैंने बताया सोशल एंड पर्सनल रिलेशन के साथ फोकस होना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं उनको बस ये सिखाना होता है कि कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है। जैसे छोटे बच्चे आके स्कूल में नमस्ते करते हैं तो अच्छे से बात करते हैं, आप लगा के बात, इस सारे छोटे छोटे चीज़ इनको सिखाना चाहिए। पर्सनल रिलेशन कैसे होने चाहिए, सोशल रिलेशन सोसाइटी से कैसे आप मिल कर रहे हो, ये छोटी छोटी बातें उनको सिखानी चाहिए। देन सिंपल रीडिंग राइटिंग एंड एरिथमेटिक, ये सारे चीज़ में फोकस होनी चाहिए, जहाँ पे 4 to 8 है जो प्राइमरी होती है। देन 8 to 12 में क्या होता है, सोशल स्टडीज एंड एक्सपीरियंस साइंस, यहाँ पे वो थोड़े बड़े हो गए, उनका मेंटल जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ हो गया है। ओके, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सोशल स्टडीज जैसे हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब के बारे में आपको, पॉलिटिकल साइंस इस सब के बारे में आपको बताना चाहिए। देन एक्सपीरियंशियल साइंस, साइंस जो आप पढ़ाओगे उसको उनको एक्सपीरियंस करना सिखाओगे, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट उनके साथ करो, क्योंकि बड़े बच्चे इतना बड़े नहीं है कि आप कोई बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट वो कर सके, लेकिन जो साइंस आप करोगे उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस देना, उनको वो एक्सपीरियंस के मेथड सिखाना। देन 12 ईयर एंड ऑनवर्ड्स, यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी बड़े हो गए तो वहाँ पे उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो चुके हैं। ओके, सो जैसे आपने पीएचडी भी पढ़ा होगा, पीएचडी में क्या होता है 12 ईयर के बाद उनका जो होता है क्या, डिडक्टिव रीजनिंग आ जाता है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनका डेवलप हो जाए तो उनको अप्रोच वही देना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपने बताया था मैंने कि ड्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बहुत प्रायोरिटी देते थे, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करेंगे तभी बच्चा हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेगा, तभी चीज़ें सीखेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देना चाहिए, जैसे प्रॉब्लम ऑन एग्रीकल्चर, कंज्यूमशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इससे रिलेटेड पढ़ाई होनी चाहिए ताकि वो जाके आगे रियल लाइफ में उनके काम आए। ओके, देन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे टीचिंग मेथड्स कैसी होनी चाहिए, कौन सी मेथड आप यूज़ करो टीचिंग में, ऐसा नहीं किसी रोट लर्निंग या तो फिर सिर्फ टीचर सेंट्री मेथड, जो बताया था कि टीचर आते हैं क्लास में लेक्चर मेथड में पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। जॉन डेवे बोलते थे नहीं, यहाँ पे चाइल्ड सेंटर होती है। ओके, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तभी लर्निंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। ओके, तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप होगी, ओरिजिनलिटी डेवलप होगी, ये सब के डेवलप के लिए बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। तो इस तरह के मेथड यूज करके बच्चे इन्वॉल्व रहे। ओके, ताकि इफेक्टिव लर्निंग होगी, उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप होगी, ओरिजिनलिटी आएगी, उनकी मेंटल पावर में डेवलपमेंट होगी। ओके, क्या क्या करना, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सिस्टम से मैंने बताया, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, इसको मैंने एक्सप्लेन करनी है, कनेक्शन विद द लाइफ विद चाइल्ड, यस ये होनी चाहिए, सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन के बारे में जानना चाहिए, देन प्रोजेक्ट मेथड जाननी चाहिए, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग इसको मैंने बताया था, एक्टिव मेथड एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी के थ्रू कोई भी एक्शन दे दो उसको, बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करो, रोल प्ले मेथड हो गया, जैसे कोई असाइनमेंट हो गया जो प्रैक्टिकल आप उसमें इन्वॉल्व रहे बच्चे, तो इस तरह की कोई एक्टिविटी दे दो, प्ले वे मेथड कर लो, उन बच्चों को खेल खेल में सिखाओ, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरियम मतलब साइंस जैसे कर रहे हैं साइंस को उसको एक्सपेरिमेंट करें, तो इस मेथड से पढ़ते हैं। ओके, देन यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि आगे जाके हम प्रोजेक्ट मेथड को डिटेल में जाएंगे ये क्या है। सो एक चीज़ आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे नहीं लिखी, मैंने मेंशन कर दी हूँ कि जो प्रोजेक्ट मेथड है उसको मतलब जो इंट्रोड्यूस किया था वो जॉन डेवे ने किया था, लेकिन उसको पॉपुलराइज क्लिपर ट्रिक ने किया। आप जहाँ पे देखोगे प्रोजेक्ट मेथड में क्लिपर ट्रिक, यस क्लिपर ट्रिक ने उसको पॉपुलराइज किया, इसको मतलब उसको आगे लेके जाए, लेकिन इंट्रोड्यूस किसने किया था, जॉन डेवे। ओके, सो व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड, सो प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, कुछ बच्चों का 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं, देन उनको एक टास्क देते हैं। ओके, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को वो ग्रुप में करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगी एंड आसो कोऑपरेशन डेवलप होगी। ओके, तो ये होता है एक प्रोजेक्ट, यानी कि एक काम आपको दिया जाएगा जो ग्रुप में होगा, तो बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप में वो चीज़ को सॉल्व करेंगे। ओके, देन क्या स्टेप होनी चाहिए प्रोजेक्ट मेथड की, जैसे एक सिचुएशन को आपको देना है, टीचर प्रोवाइड ए सिचुएशन कि चलो ये है आपको करना है। जैसे बहुत बार होता है कि मतलब पेड़ लगाओ, या तो फिर ये सारे प्रोजेक्ट दिया जाता है, या तो फिर घर में जैसे आप दिल्ली स्कूल को फॉलो करते हो, वहाँ पे क्या होता है उनको दे देते हैं कुछ फंड दे देते हैं, जैसे ये स्कीम मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनको पैसे देते हैं, उनको बोलते हैं आप अपना आइडिया लेके आओ, आप उसको डेवलप करो, आप एक बिजनेस आइडिया लेके आओ, इसका क्या है, इसको मतलब
वो प्रोजेक्ट देते हैं, तो बच्चे ग्रुप होके अपना अपना आइडिया दे के अपना अपने एक म्यूचुअल कोऑपरेशन रख के एक प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। तो आई जस्ट लव दिस स्कीम ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। सो ठीक है, सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। ओके, क्योंकि बच्चे हैंड ऑन एक्सपीरियंस सीखेंगे, जब स्कूल से जाएंगे वो चीज़ उनके काम आएगा। ओके, देन प्रोवाइड, फर्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन, देन चूजिंग एंड प्रपोजिंग कि क्या करना है आपको, देन प्लानिंग करना है कैसे करना है, क्या करना है, किस स्टेप पर जाना है, देन प्लान जो कि उसको एग्जीक्यूट करना है, देन जज करना कि आपने वो काम सही से, सेल्फ एनालिसिस करना है आपस में, देन उसके बाद जो टीचर्स आपको काम दिए उसको भी दिखाना है, वो भी आपके काम को, आपके प्रोजेक्ट को जज करेंगे, देन रिकॉर्डिंग, देन मतलब आपका जो इवेल्युएशन होगा, आपका जो असेसमेंट होगा वो लिखा जाएगा कि हाँ आपका प्रोजेक्ट इतना अच्छा हुआ है या फिर क्या कमी है, क्या अच्छा है। तो ये दिस इज द स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। ओके, देन अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूए टीचर्स की रोल कैसी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि टीचर्स के रोल बहुत इंपॉर्टेंट एज टू ए सुपरवाइजर, ए गाइड। टीचर जो है वो सिर्फ सिचुएशन प्रोवाइड करेगा, आपको गाइड करेंगे, आपको सुपरवाइज करेंगे, लेकिन जो बच्चे वो रियल है, क्योंकि उनको नॉलेज डेवलप करना है, उनको अपने ब्रेन यूज, उनको अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ, प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ न्यू एक्सपीरियंस को जोड़ना है। ओके, सो टीचर को क्या करना है, सोशल एटीट्यूड एंड सोशल पैटर्न को स्टूडेंट्स के बीच कल्टिवेट करना है ताकि स्टूडेंट्स ये सब जान पाए। देन होता है टीचर टू बी फ्रेंड एंड गाइड, फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड जो होता है वो होना चाहिए, कि स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कि टीचर्स से मतलब खौफ रखे, उनसे डरे कि नहीं ये चीज़ यार नहीं करनी है, वो टीचर्स के साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते, क्योंकि टीचर आपको गाइड भी करते हैं ना, अगर आप कोई गलत रास्ते में जाते हो या फिर आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा, जैसे गाइडेंस चाहिए होती है, एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल हो, कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए होता है तो वो टीचर्स देते हैं, तो वो आपकी फ्रेंड भी होनी चाहिए। फ्रेंड का मतलब ये नहीं कि आप टीचर्स को थप्पड़ मारो या फिर टीचर्स के साथ कहीं घूमने मतलब मस्ती करने चले जाओ, ऐसा नहीं, एक डिसेंट लेवल पर होनी चाहिए। ओके, ये याद रखना, एक डिसेंट, हर चीज़ का एक लिमिटेशन होती है। बहुत बार बच्चे समझ रहे हैं टीचर मतलब दोस्त मतलब एकदम वाला ये वाला दोस्त, नहीं है, बहुत दोस्त का मतलब आप उनसे डरे नहीं, आप उनसे चीज़ें शेयर कर सको ताकि वो आपको प्रॉब्लम को समझ पाए। ऐसा नहीं कि टीचर है मतलब चलो यार चलो आज घूमने चलते हैं, या तो फिर जो लोग ड्रिंक करते हैं चलो आज मिलकर 1000 रुपये तक, ड्रिंक करना बुरी बात है लेकिन टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। देन ही इज़ नॉट ए ट्रांसमिट एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज टू द पीपल, यानी कि टीचर आज एक ट्रांसमीटर नहीं होनी चाहिए कि नॉलेज सिर्फ ट्रांसमिट, आज जो पढ़ के आए बस क्लास में आए बस वो पढ़ा ले, बच्चे चाहे समझे ना समझे कुछ उनका फ़र्क नहीं, बस सिलेबस कम्प्लीट करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को एक्सपीरियंस करने दो, बच्चों को वो सिचुएशन दो। ओके, देन ही हैज़ ओनली अरेंज द सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटी व्हिच मे बी एनेबल टू लर्न। तो यहाँ पे क्या करते हैं टीचर, टीचर का काम है जो सिचुएशन दो, अपॉर्चुनिटी दो, ताकि बच्चे खुद में ब्रेन स्टॉर्मिंग करके, खुद में प्रॉब्लम सॉल्व करके वो नॉलेज को सीख सके। ओके, तो ये था टीचर्स का रोल, फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड एज ए सुपरवाइजर। ओके, तो ये मैंने पूरा कंसेप्ट कवर कर लिया जॉन ड्यूए का, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि कैसा होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, MCQ एंड PUQ रिलेटेड जॉन ड्यूए, जॉन ड्यूए से रिलेटेड कुछ प्रीवियसर क्वेश्चन एंड MCQ सॉल्व करेंगे। तभी अगर आप ये वीडियो देखे होंगे तो आपको ये हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, सो आज आप ये वीडियो को पूरे अच्छे से देखिए, मैं कल लूँगी MCQ रिलेटेड वीडियो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए अगर आपको कुछ भी हेल्प हुआ होगा, एंड डेफिनेटली कि आपको हेल्पफुल होगा, प्लीज़ बिना स्किप के वीडियो को अच्छे से देखिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।